नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। ये किताब मार्क मेंशन ने 2018 में लिखी थी, जो एक स्टार ब्लॉगर है। इनके रीडर्स 3 मिलियन से भी ज्यादा है और ये किताब उनकी पहली किताब है। ये किताब खुद की हेल्प करने का रास्ता तो दिखाती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे खुश रहने वाले लोगों को बुरे समय में खुद को संभालना चाहिए और हर समय खुद को पॉजिटिव रखने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा बट कहीं ना कहीं मैंने ये समझा है कि ये किताब हमारी ट्रेडिशनल और रूटीन को हिला कर देती है। मैं खुद ही बहुत सरप्राइज था इस किताब के बहुत सारे पहलुओं को जानकर, जो कि एकदम सच है। मेरा सजेशन यह है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लाइफ के इस पहलू को समझें जो कि बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 1, डू नॉट ट्राई। इस चैप्टर में मार्क ने कोशिश ना करने के बारे में बात करते हैं। मार्क का मानना है कि इंप्रूवमेंट और सक्सेस अक्सर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों चीजें सेम है। मार्क के अकॉर्डिंग हमारा कल्चर ऐसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पर बहुत फोकस करता है जो सच्चाई से बहुत दूर है, जैसे कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, बेस्ट बनो, तेज, होशियार, अमीर, ज्यादा काम करने वाले बनो। लेकिन जब हम शांति से बैठकर इस बारे में सोचते हैं तो सभी पॉजिटिव चीजें असलियत में उन चीजों पर जोर देती है जो हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारे पास पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सीखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पहले से ही इनफ पैसा नहीं है। हम रिलेशनशिप पर सलाह लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। हम ज्यादा सक्सेसफुल के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं। मार्क का कहना है कि कॉन्फिडेंट इंसान को कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो कॉन्फिडेंट है। एक अमीर इंसान को किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं होती कि वो अमीर है। या तो आप होते हैं या आप नहीं होते। लेकिन अगर हर समय किसी चीज का सपना आप देख रहे हैं तो एक और सच्चाई बार बार मजबूत कर देते हैं कि वो चीज हमारे पास नहीं है। बहुत ज्यादा चीजों के लिए परेशान रहना या सब चीजों से फर्क पड़ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। एक अच्छी जिंदगी ज्यादा चीजों के लिए परेशान रहना नहीं है बल्कि कम चीजों के लिए परेशान होना है। केवल उन चीजों के लिए फर्क पड़ना चाहिए जो सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। मां कहते हैं कि जब हम हमेशा सही चीजें करने को लेकर परेशान रहते हैं तो आखिर में इसलिए परेशान रहने लगते हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं। और जब हम खुद को हर गलती के लिए दोषी मानने लगते हैं तो हमें ये फीलिंग आने लगती है कि हम खुद को इतना दोषी क्यों मान रहे हैं। जब हम अकेले और उदास होते हैं तो ये सोच सोच कर अपने आप को और भी ज्यादा उदास और नेगेटिव कर लेते हैं। मार्क ने इसको फीडबैक फ्रॉम हेल की थ्योरी का नाम दिया है। इस चैप्टर में मार्क एलन वॉट्स द्वारा बनाई गई थ्योरी के बारे में बात करते हैं जिसे बैकवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का कहना है कि ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है और नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही एक्सेप्ट कर लेना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा हम हर समय पॉजिटिव फील करने की कोशिश करेंगे उतना ही कम सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि किसी चीज के पीछे भागना सिर्फ इस बात को बताता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है। उदाहरण के लिए, हम जितना ज्यादा अमीर होना चाहते हैं उतना ही गरीब महसूस करते हैं। एल्बर्ट कॉमस, जो एक फिलोसोफर है, कहते हैं अगर आप जीवन का मतलब ही ढूंढते रहेंगे तो जिएंगे कब। मार्क का कहना है कि फर्क नहीं पड़ना उल्टे तरीके से काम करता है, इसलिए इसे बैकवर्ड लॉ कहते हैं। वो कहता है कि पॉजिटिव के पीछे भागना नेगेटिव है और नेगेटिव को मान लेना ही पॉजिटिव दे सकता है। दुख से बचना अपने आप में एक दुख है। स्ट्रगल करने से दूर भागना अपने आप में एक स्ट्रगल है। अपने फेलियर को नहीं मानना भी एक फेलियर है। मार्क बताते हैं कि किसी भी चीज को लेकर परेशान ना होना अपने आप में एक कला है। उनका कहना है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी सोच को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमें बहुत ध्यान से उन चीजों को चुनना है जो हमारे लिए जरूरी है। परेशान नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब अलग हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अलग होने से कंफर्टेबल होना। मार्क कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी में किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। परेशान सिर्फ उन चीजों के लिए होना है जो जिंदगी में बहुत वैल्यू करते हैं। जब लोगों के पास कोई मुसीबत नहीं होती तो वो ये सोच सोच के कोई ना कोई नई मुसीबत पैदा कर लेते हैं। हमें बुरे समय में मुसीबत से ज्यादा उन चीजों के लिए सोचना चाहिए जो जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। हमें इस बात का एहसास होना हो, लेकिन हम हर समय उन चीजों को चुन रहे होते हैं जिनके बारे में सोच के परेशान होना है या नहीं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सब चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है हमें उन चीजों के बारे में समझ में आने लगता है जो इंपॉर्टेंट है, और इसको भी मैच्योर होना बोलते हैं। मां कहते हैं कि यह किताब हमें बहुत आसान तरीके से यह सोचने में मदद करेगी कि हम जिंदगी में क्या चुन रहे हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और क्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। इस चैप्टर में मार्क बुद्धा की स्टोरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ज्ञान को पाया और ये बताया कि सेटिस्फेक्शन ना मिलना हमारे शरीर का एक हिस्सा है और लगातार खुशी पाने में मदद करता है। दुख हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है और इसके ही जरिए नेचर को चेंज करने की इंस्पिरेशन भी मिलती है। हम उन चीजों से खुश नहीं होते जो हमारे पास है, बल्कि उन चीजों को लेकर दुखी होते जो हमारे पास नहीं है। दो तरह के पेन होते हैं, एक है फिजिकल पेन और दूसरा है साइकोलॉजिकल पेन। उनका कहना है कि फिजिकल पेन जरूरी है क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या
क्या बुरा। फिजिकल पेन हमें अपनी लिमिट में रहना सिखाता है। साइकोलॉजिकल पेन हमेशा हमारे लिए बुरा नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए जरूरी और हेल्दी है। जब हमें रिजेक्शन और फेलियर मिलता है तो हमें इमोशनल पेन होता है, जो हमें फ्यूचर में सेम गलतियां ना दोहराने सिखाता है। प्रॉब्लम कभी नहीं जाती, बल्कि वो बस समय के साथ बेहतर होती रहती है। कभी भी ऐसी लाइफ की उम्मीद ना करें जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हमें ऐसी लाइफ की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें बेहतर प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसा होना जिसे सॉल्व किया जा सके। खुशी हमारी प्रोग्रेस के लिए किए जाने वाला एक कॉन्स्टेंट एक्शन है। मार्क कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक सिंपल सा काम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला रीजन ये है कि लोग ये मानते ही नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। वो हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करते और ऐसा करके उनको खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कम समय तक के लिए ही होती है। दूसरा, वो हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं, जो हमेशा दुख में रहते हैं। वो दूसरे लोगों को और सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं और ये गुस्से और नेगेटिविटी से भरी लाइफ की तरफ ले जाती है। जिंदगी का सबसे बेसिक कंपोनेंट ये है कि हमारे स्ट्रगल्स ही हमारी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स ही हमें खुशी के साथ साथ बेहतर प्रॉब्लम्स भी देती हैं। चैप्टर नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। इस चैप्टर में मार्क सेल्फ एस्टीम के बारे में बताते हैं। ये समझाते हैं कि सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमारे पास कोई बहुत अच्छा रीजन ना हो खुद को अच्छा फील करने के लिए। जब हम सेल्फ एस्टीम को मेजर करते हैं तो ये मेजर किया जाता है कि लोग अपने बारे में कितना पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन आप जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में कैसा फील करते हैं ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी जिंदगी की बहुत वैल्यू करते हैं, वो लोग अपने कैरेक्टर के नेगेटिव पार्ट को समझते हैं और फिर उसे इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मनी को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना, या अपनी सक्सेस को बढ़ा चढ़ा के बताना और दूसरों पे सपोर्ट के लिए बहुत डिपेंडेंट रहना। लेकिन वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते, वो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल भी नहीं बना पाते हैं। मार्क के हिसाब से पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि सेम प्रॉब्लम लाखों लोगों को पास में हुई होगी। बहुत लोगों को अभी भी सेम प्रॉब्लम है और फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम होने वाली है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम लोग स्पेशल नहीं है। किसी भी चीज में बेस्ट बनने के लिए हमें उस चीज को अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी देनी होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, इसलिए हम हर चीज में बेस्ट नहीं कर पाते। एक फेमस कोट के हिसाब से हम सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ बड़ा करना लिखा होता है, लेकिन अगर हम सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4, वैल्यू ऑफ सफरिंग। मार्क का कहना है कि दुख जरूरी है और इससे बचना मुश्किल है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस दुख से कैसे बच सकता हूँ, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मुझे ये दुख क्यों है और मेरे इस दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को समझने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। माँ कहते हैं कि खुद को जानना एक अनियन की तरह है जिसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इस अनियन की पहली लेयर है खुद को समझना, जैसे कि क्या चीज मुझे खुशी देती है, किस चीज से मुझे दुख होता है और क्या चीज मुझे उम्मीद देती है। खुद को जानने की दूसरी लेयर है कि ये समझना कि मुझे ऐसी फीलिंग महसूस क्यों होती है। ये लेयर उन इमोशंस को जड़ से समझने में मदद करती है जो हमें घेरे रहते हैं। एक बार अगर इमोशंस की जड़ पकड़ में आ जाए तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। खुद को जानने की तीसरी लेयर है हमारे पर्सनल वैल्यूज। जैसा कि कुछ चीजों को हम सक्सेस या फेलियर क्यों मानते हैं, हम अपने आप को कैसे तोलते हैं, किस बेसिस से हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को जज करते हैं, ये लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी वैल्यूज हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्वालिटी के बारे में बताती हैं। चैप्टर नंबर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के लिए पेनफुल होगी या पावरफुल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको किस सेंस में चूज करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हमें लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही चुनते हैं तो हमें बहुत पावरफुल महसूस होता है, लेकिन जब हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स को हमारी मर्जी के बिना हमारे ऊपर थोपा गया है तो हम बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। मार्क का कहना है कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी लाइफ की लेते हैं उतनी ज्यादा हमें पावर मिलती है। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। हमारे कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट अक्सर एक साथ आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब अपना फॉल्ट भी मानना है। हमारी सिचुएशन के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट हम खुद होते हैं। बहुत सारे लोग खुद को दुख देने के लिए ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमेशा हमारी चॉइस होती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हम सबको सक्सेस और खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो पसंद है, लेकिन अपनी लाइफ की असली इंप्रूवमेंट वो है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, सो एम आई। मार्क इस चैप्टर में बताते हैं कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में ऑलमोस्ट सब चीजों के बारे में गलत ही सोचते हैं। हम अपने और दूसरे के बारे में, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, दुनिया और यूनिवर्स के बारे में, इनफैक्ट सब चीजों के बारे में गलत होते हैं। लोग खुद को हर सिचुएशन में सही साबित करने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाते हैं।
लोग कहते हैं कि उनको फेल होने से, रिजेक्शन से या किसी के ना कहने से डर लगता है, मगर ऐसा नहीं है। रिजेक्शन और फेलियर एक बुरा एहसास है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अनसर्टेनिटी हमें अपने आप को जज करने से भी बचाती है। हमें नहीं पता हमें लोग पसंद करते हैं या नहीं, हमें नहीं पता कि हम कितने अट्रैक्टिव हैं, हमें नहीं पता कि हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ना पता होना और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पता करना ही इन सब चीज़ों को अचीव करने का एक स्टेप है। चैप्टर नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। किसी भी चीज का इंप्रूवमेंट बहुत छोटे छोटे फेलियर्स पर डिपेंड करता है। हमारी सक्सेस इस बात का सबूत है कि हम कितनी बार फेल हुए हैं। अगर कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो मतलब ये है कि वो हमसे ज्यादा चीजों में फेल हुआ है। अगर कोई हमसे भी बुरा है तो मतलब उसने अभी तक वो सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं किए जो कि हमने की है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है और वो कई बार गिरता है और खुद को चोट लगवा लेता है, तो इस टाइम कभी भी वो ये नहीं सोचता कि उसे चलना नहीं चाहिए या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। एक टाइम आने पर हम में से कई लोग ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हम फेल होने से डरते हैं। हम उन चीजों में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिनमें हम फेल होने के लिए तैयार है। अगर हम फेल होने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग जब किसी तरह का गुस्सा या दुख फील करते हैं तो वो ये सब छोड़कर उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। उनके पास एक गोल होता है कि फीलिंग गुड वाली स्टेट में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, चाहे उस स्टेट में बहुत सारी बुरी वैल्यूज क्यों ना हो। अगर किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं तो बस उस पर बैठकर उसके बारे में सोचते मत रहो, उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ करते हुए आप अपने आंसर्स और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। एक्शन करना हमेशा कंट्रोल में होता है, लेकिन हम अपनी खुद की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक्शन करने को ही सक्सेस का मैट्रिक्स बना लें तो फेलियर हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है। चैप्टर नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। अपनी जिंदगी में मीनिंग और इंपॉर्टेंस अचीव करने का एक ही तरीका है, ज्यादा ऑप्शंस को रिजेक्ट करना, फ्रीडम को कम करना और किसी एक बिलीफ और एक जगह और एक इंसान के लिए कमिटेड होना। रिजेक्शन हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। लोग रिजेक्शन को अवॉइड करते हैं, लेकिन रिजेक्शन अवॉइड करना लंबे टाइम की खुशी नहीं देता। कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे लिए सॉल्व नहीं कर सकता और उनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। लोग दूसरों को अपने एक्शंस और इमोशंस के लिए ब्लेम करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनको लगता है वो खुद को विक्टिम दिखा सकते हैं, और ऐसा लगातार करते रहने से उनको लगता है कि वो कोई आएगा और उन्हें बचाएगा और उनको वो प्यार मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते थे। कुछ लोग दूसरों के एक्शन और इमोशंस का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगे तो उन्हें वो प्यार और अप्रिसिएशन मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते हैं। लोगों के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के बिताई है कि दूसरे लोग उनकी किस्मत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनके लिए एक मुश्किल काम है। कुछ लोगों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दूसरों की प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के बिताई है कि उन्हें प्यार और अप्रिशिएशन तब मिलेगा जब वो दूसरों को बचाएंगे। लेट गो यानी जाने देना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। किसी के लिए कुछ करने को मजबूरी समझना या अपनी मर्जी से करने में डिफरेंस होता है। खुद से ये सवाल पूछे, अगर मैं ये काम करने से मना कर दूं तो क्या रिलेशनशिप में चेंज आएगा? अगर आंसर है कि मना करने से बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है तो एक बुरे रिलेशनशिप का साइन है। इसका मतलब रिलेशनशिप कंडीशंस बेसिस पे है, जिसका मतलब है कि एक दूसरे से कुछ बेनिफिट्स मिलने की कंडीशन पर रिलेशनशिप है, ना कि एक दूसरे के अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर रिलेशनशिप है। जिन लोगों के रिलेशनशिप की स्ट्रांग बाउंड्रीज होती हैं, वो समझते हैं कि एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग 100% बदलना और एक दूसरे की सारी नीड्स को फुलफिल करना सही नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए लोग रेडी होने चाहिए, और सुनने के लिए भी और ना कहने के लिए भी। कमिटमेंट हमें फ्रीडम देता है क्योंकि ये हमारा अटेंशन और फोकस वहां कर देता है जो हमें हेल्दी और खुशी देते हैं। कमिटमेंट हमें हमारे गोल पे फोकस करना सिखाता है और जिसमें हम बड़ी से बड़ी सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, देन यू डाई। हमें मरने से डर लगता है और इसलिए हम इसके बारे में सोचना भी अवॉइड करते हैं, बोलना भी अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे किसी आसपास के लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम उसे थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। हमें पता है कि हमारी फिजिकल बॉडी एक ना एक दिन मर जाएगी और डेथ को ताला नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा सबसे बड़ा फियर है। इस डर से बचने के लिए हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो हमेशा रहेंगी। इसलिए लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनका नाम दीवारों पर, स्टेटस पे और बुक्स पे लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी का मतलब कभी ना मरना है। ग्रीक और रोमन हिस्ट्री में लोगों को बोला जाता है कि वो डेथ को हमेशा अपने माइंड में रखें ताकि लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट किया जा सके। बुद्धिज्म की बहुत फॉर्म्स में मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि कैसे खुद को जिंदा रहते हुए डेथ के लिए रेडी करना। मार्क का कहना है कि हम सबको डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी खुद की डेथ की सोच को बहुत हल्का बनाना चाहिए। ऐसा तब किया जा सकता है जब हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, अपने फेयर्स का सामना करें, अपने फेयर्स को एक्सेप्ट करें और रिजेक्शन को अपना लें। दोस्तों, ये थी वो किताब जिसको मैंने अपनी लाइफ में पूरी
पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है और अब तक इसके रिजल्ट से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं और फ्यूचर की वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।